बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल के खजूरी बाईपास पर मजदूरों को जरूरत का सामान वितरित किया। इस दौरान कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर घर वापस जा रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खजूरी बाईपास पर पैदल जा रहे मजदूरों को भोजन और आवश्यक सामग्री दी। इस मौके पर वीडी शर्मा ने खुद अपने हाथों से मजदूरों को चप्पल पहनाई। इसके साथ ही विभिन्न भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी मजदूरों को खाने के साथ बिस्किट, कपड़े, फल और पानी दिया। देखिए, बहुत मार्मिक दृश्य है कि लगातार मजदूर ऑटो से पैदल नंगे पैर चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में मजदूर, क्योंकि मध्य प्रदेश देश के मध्य में है, तो गुजरात से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, दक्षिण के राज्यों से लगातार लाखों की संख्या में मजदूर निकल रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, उनके भोजन से लेकर अभी नंगे पैर आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोग जा रहे हैं। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर हैं, सब लोग उनको चप्पल जूते भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो जो संभव हो सकता है कि उनको कठिनाई न हो और वो अपने गंतव्य तक आराम से पहुँचें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर लगातार काम कर रही है और सब लोगों को ये देने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भूखा न रहे और किसी को परेशानी न हो। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।